हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। बड़े दिन बाद मोस रोज में जो है फूल देखने को मिले हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही थोड़े से हरे भरे होते थे तो बेकार से हो जाते थे धूप से, और अब देखिए अच्छी ग्रोथ हुई है, इनकी कलियां भी आ रही है। तो बस अभी यही नज़र आ रहे हैं, और नीचे भी लगाए हैं रेलिंग के सामने, तो अभी उसमें किस कलर के आएंगे पता नहीं है, लेकिन देखिए कितना प्यारा कलर है। तो दोस्तों अब इनमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। इनकी कटिंग भी बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये जो मटका था ना बेकार हो गया था, तो इसी में मैं यहाँ से तोड़कर लगा दी थी। तो दोस्तों आप अगर इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए टूट गया था, इसको भी इसमें रख देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर भी मैं लगा के छोड़ दी थी। तो दोस्तों ये परमानेंट है और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है समर में। कुछ मोसरोज हाइब्रिड होते हैं जिन्हें मतलब सालों साल बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक रानी कलर का आता है देसी पार्चुला का, और एक हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड में कई कलर मिल जाते हैं दोस्तों। तो अभी मैं नर्सरी नहीं गई हूँ, जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। अभी काफी मतलब वैसे भी गर्मी की वजह से लेट हो गया, मुझे लगा कि अभी नर्सरी में नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों बारिश शुरू हो गई है, मौसम बदल गया है, तो अब नर्सरी में मिल सकता है। तो दोस्तों पार्चुलाका की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। मैंने इनकी पत्तियों से भी इन्हें तैयार किया है, तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। और चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर गमले में लगाएं, किसी भी जैसे ये मटकी आप देख रहे हैं इसमें भी लगाएं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों इनकी छोटी से छोटी कटिंग आप इस तरह से तोड़ लीजिए और लगा दीजिए, बहुत ही प्यारा लगता है। तो हैंगिंग बास्केट में भी जो पहले के थे तो मैं लगा रखी हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मैं इनको तोड़ लेती हूँ, और कलियां भी देखिए सब में आ चुकी है। मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है इसलिए जुकाम हो गया है। इस तरह से देखिए इतना मैंने तोड़ लिया है, रखने की जगह नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं ये। बहुत तेजी से हवा चल रही थी ना, जिसकी वजह से देखिए ये गिर गया, इसमें भी फूल आना शुरू हो गए। दोस्तों ये है चंपा, इनके फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और कनेर में भी देखिए कलियां बन रही है। तो बहुत ही छोटा प्लांट था, मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी ना, तो प्रूनिंग करने के बाद देखिए काफ़ी घने हो गए हैं, तो बराबर प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं हैंगिंग बास्केट ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे देखिए एक खाली है, इसको मैं निकालती हूँ। यहाँ पे टूट गया है, फिर भी लगा देते हैं, अच्छी तरह से लग जाएगा। मेरे पास ढेर सारे हैंगिंग बास्केट थे, लेकिन बंदरों ने गिरा गिरा के ख़त्म कर दिया। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, इनसे लगाव रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं पेड़ पौधों को। थोड़ा महंगा होता है इनका शौक़, क्योंकि नर्सरी में हमें फ्री में नहीं मिलते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं, खाद है, पानी है, समय समय से देना पड़ता है। तो ये निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा मोबाइल को बंद करके निकालते हैं। इनकी मिट्टी की इस तरह से हमने गुड़ाई कर दी है दोस्तों, ताकि मॉस रोज लगाने में दिक्कत ना हो। इस घास की जड़ काफ़ी अंदर तक चली गई है। तो दोस्तों अब मैं इनमें पानी दे देती हूँ, पानी देके इस तरह से छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ से इनकी कुछ पत्तियों को हटा देती हूँ। हटाने के बाद इसे इस तरह से लगा देती हूँ, बहुत ही आसानी से लग जाता है दोस्तों। ज़रा सा मिट्टी इन्हें मिली और बिल्कुल आराम से ये लगना शुरू हो गए। तो देखिए हमने लगा दी, और अब तो इसी तरह से रख देंगे, धूप पानी नहीं बराबर मिलता रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा पौधा है कि बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में भी लग सकता है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत अगर मतलब अगर हम इसके ऊपर केयर भी नहीं करेंगे तब भी ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट है। इनके जो फूल हैं आपने देखा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक मैंने यहाँ पे लगाई हूँ, तो इनके जो फूल आएंगे ना थोड़ा अलग कलर में आएंगे। तो मटकी में ऐसे ही लगा दिए हैं, और धीरे धीरे सब में लगाना है दोस्तों, लगा के छोड़ना है। तो इस तरह से
मॉस रोज हमने लगा दिया है और अभी कुछ और बाकी है, धीरे धीरे सबको लगा देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।